अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शमशीर अहमद भावे ग्रुप की जानिब से एक बार फिर आप तमाम के बीच आया हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो वबा मुल्क भर में फैली है, जिस वबा से काफ़ी लोग परेशान हैं, उस वबा के चलते हम लोग लोगों की मदद करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। वही मदद करने के सिलसिले में एक कॉल मुझे आया था, जिसमें एक शख्स, एक हमारे भाई काफ़ी परेशान थे। उनके वालिद साहब को प्राइवेट में एडमिट नहीं करवाया जा रहा था, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी की वजह से, और वो जिम्स हॉस्पिटल आए थे गुलबर्गा में, जिसमें उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो उसी के चलते जो मुझे फ़ोन आया था, मैं उनको एडमिट करवाने के लिए यहाँ आया। आप लोगों की दुआ से उनका एडमिशन हो चुका है, उनको यहाँ पर बेड मिल चुका है। जब मैं एडमिशन करवा के वापस जा रहा था, तो मैंने देखा सफ़ा बैतुल माल वाले यहाँ पर लोगों में, पेशेंट के रिश्तेदारों में खाना तकसीम कर रहे थे और पानी तकसीम कर रहे थे, पीने का जो कि फिल्टर वाटर है वो तकसीम कर रहे थे। तो मैंने देखा, उनसे कैफियत तलब की, तो उन्होंने बताया कि वो सब लोग रोजे में है। रोजे की हालत में माशाल्लाह हमारे भाई यहाँ पर दूसरों की भूख और प्यास का ख्याल करते हुए, लोग जो वबा से ढूंढ रहे हैं, जो पेशेंट एडमिट है अस्पतालों में, उनके रिश्तेदार जो यहाँ पर हैरान और परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए, उनके गम को बांटने के लिए, उनकी भूख और प्यास दूर करने के लिए, खुद रोज़ा रहकर चिलचिलाती धूप में मशक्कत कर रहे हैं, लोगों की भूख और प्यास का ख्याल कर रहे हैं, और फिर भी हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों की मेहनत को देखो। जितने भी मुसलमान और जितने भी दूसरे मजहब के लोग आज जो वबा में आप लोगों की, हम लोगों की, एक दूसरे की मदद करने की, हमारे मुल्क की मदद करने में लगे हुए हैं, वो देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि वाकई में हिंदू खतरे में है। मेरे भाइयों, हिंदू नहीं, हमारा मुल्क खतरे में है, और वो हमारा मुल्क ना कि किसी मुसलमान की तरफ से और ना कि किसी हिंदू की तरफ से, बल्कि चंद फिरका परस्त ताकतें, जो फिरका परस्त हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनसे हमारा मुल्क खतरे में है। मोदी, योगी, अमित शाह जैसे गुंडों से हमारा मुल्क खतरे में है, ना कि किसी मुसलमान से, किसी हिंदू से, ना कि किसी दीगर मजहब के लोगों से। हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। हमारी इस मुल्क को, हमारे इस मुल्क को अगर हमें इस वबा से, कोरोना वायरस से अगर बचाना है, और लोगों का अगर हाथ बटाना है, तो हमें एक दूसरे को जुड़कर, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग आज परेशान हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह से सफा बैतुल माल वाले अपनी भूख और प्यास को तर्क करते हुए रोजे की हालत में रोजा रहकर जो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, हाथ उठाकर कि अल्लाह तू हमारे मुल्क से, जितने भी लोग हैरान परेशान हैं, जितने भी लोग वबा से जूझ रहे हैं, जितने भी लोग बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर दे, यहाँ लोगों की परेशानियों को दूर कर दे, लोगों के पेशेंट को सही सलामत उनके घर तक पहुँचाए। तो उस सफा बैतुल माल को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और सफा बैतुल माल तो जो लोग हैं, जो खुद भूखे पैसे लेकर लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी टीम से हम किसी से जानते हैं कि ये काम कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और ये लोग कैसा इस काम को अंजाम देते हैं। आइए हम बात करते हैं, आपका नाम था? मोहम्मद लईफ अहमद साहब। आप अपने इस सफा बैतुल माल के बारे में, अपने शख्स के बारे में कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सफा बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गे में पिछले 10 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है। मुख्तलिफ तकरीबन 10 से ज़ायद हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। स्पेशली अभी जो कोविड का मौका चल रहा है, इस मौके पर हम लोगों ने मौके की नज़ाकत को जानते हुए, जो गर्मा का मौसम चल रहा है, इसमें जो पानी लोगों को ज़रूरत होती है ठंडे पानी की, हालांकि कई होटल्स वगैरह बंद हैं और लोगों की माशी हालत भी ख़राब चल रही है, जो खरीद का पीना भी एक दुश्वार हो गया है, तो सफ़ा बैतुल माल ने ठंडे और फिल्टर पानी का निज़ाम किया है। ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी 8-10 दिन से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है। हालांकि हमारे ठंडे पानी पिलाने का निज़ाम पिछले 10 साल से चलता है, मुख्तलिफ चौकों पर हम लोग फ्रिज रखते हैं, वहाँ पर पानी डंप कर हम लोग पिलाते हैं, लेकिन ख़ासकर इस साल लॉकडाउन होने की वजह से हमारे कई भाई रोज़ा वगैरह रखते हैं, और यहाँ पर हॉस्पिटल में इसकी शदीद ज़रूरत है, बोलकर हम लोग एक गाड़ी को ख़ास कर जिम्स हॉस्पिटल के लिए मखसूस किए हैं, और स्पेशली फिर उसके साथ हम लोग खाने को भी एक ऐड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाने का निज़ाम रखे हैं। आज हम लोग 25 किलो चावल बना के लाए थे यहाँ पर, जो पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं, जो भूखे रहते हैं, काफ़ी परेशान हैं, वो लोगों तक हम लोग काफ़ी सेफ्टी का एहतियात रखते हुए वो लोगों तक हम पहुँच कर खाना खिलाने का निज़ाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि सफ़ा बैतुल माल को ताउन करें इसमें मजीद काम के लिए। सफ़ा बैतुल माल दूसरे और कई डिपार्टमेंट में काम करता है, जैसे कि हम लोग महाना बेवाओं को वजीफ़ा देते हैं, और एजुकेशन एड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करते हैं, खाना खिलाने का काम करते हैं, ठंडी में ब्लैंकेट्स वगैरह तकसीम करने का काम करते हैं। खासकर अभी कोविड के मौके पर सफ़ा बैतुल माल एक अपनी गाड़ी को जिम्स हॉस्पिटल के लिए मखसूस किया है। यहाँ पर हम लोग, हमारे बिला मज़हब व मिल्लत सफ़ा बैतुल माल, मुसलमान भाई हो या कोई भी हो, बिला मज़हब व मिल्लत हर वो कौम को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूरी जो टीम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हुए
यहाँ की कौम को, यहाँ के लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ठंडा फिल्टर का साफ पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शमशीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त पर पहुँचा और हमारा हिम्मत अफजाई की, हमारा शुक्रिया अदा किया। बस हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप दुआ करिए कि हम इसके लिए और मज़ीद काम कर सकें। जजाकल्लाह खैर। बहुत ही अच्छा हमारे क्या नाम भाई नई फेमत साहब ने बहुत ही अच्छा सफा बैतुल माल के खिदमतों के बारे में हमें समझाया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपके बिजी शेड्यूल की वजह से अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो सफा बैतुल माल से जैसा बताया है कि ताउन आप कर सकते हैं, आप सफा बैतुल माल के वालों के साथ ताउन कर सकते हैं। नई फेमत साहब ने सफा बैतुल माल के सारे काम जो अंजाम देते हैं वो आप लोगों के सामने तफसील से बताया है। तो मैं नई अहमद साहब का, उमर साहब का और जितने भी लोग यहाँ पे आप साथ नाम अब्दुल वहाब साहब का, अब्दुल मजीद साहब का और दीगर हजरात जो इनके नहीं आ सके कुछ वजह से, जो यहाँ पे मौजूद थे किसी काम से उनको जाना पड़ा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और इनके से जितने भी लोग हिंदुस्तान भर में जो लोगों के इस वबा में लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हुए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम करना बंद करें और फील्ड पे आए, जो वबा से लोग परेशान हैं उनकी मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। हमारा मुल्क जो वाकई में खूबसूरत है उसको वापस खूबसूरत बनाएं, इस वबा को दूर करने में दुआ करें। अल्लाह ताला जो है इस रमज़ान में इस वबा को ना कि सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से मिटा दे, इस तरह की हम दुआ करते हैं। मैं खुद भी रोजे में हूँ, सारे भाई हमारे रोजे में हैं और अल्लाह ताला इस रमज़ान हमारी दुआएँ ज़रूर कबूल करेगा। अस्सलामुअलैकुम।